पेरेग्रीन फाल्कन, जिसे अगर दुनिया का सबसे तेज रफ्तार का बादशाह भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो पक्षी है जो कि चीता को भी पछाड़ता हुआ उससे 3 गुना तेज स्पीड से भाग सकता है, यानी कि ये लगभग 390 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। और इसी घातक स्पीड से अगर ये अपने किसी शिकार पर हमला करता है तो शिकार का क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं। और इसका नमूना हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ समंदर किनारे मौजूद कबूतरों का झुंड जब हरियाली से उड़कर वहां से जाता है तो फाल्कन की नजर इनके ऊपर पड़ जाती है और वो शुरू करता है इनका पीछा करना। लेकिन जैसे ही इस बात का पता कबूतर को चलता है वो जी जान लगाकर उड़ने लगता है और फाल्कन भी अपनी पूरी फुर्ती दिखाता है, लेकिन कबूतर टेढ़ी मेढ़ी जगहों से निकलकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिसके चलते फाल्कन कुछ देर के लिए उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है, क्योंकि वो आसमान में काफी ज्यादा ऊंचाई पर जा चुका था। जिसके बाद वो ऊपर से ही कबूतर की तरफ आने लगता है, जहां उसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कबूतर अभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उसका दुश्मन उसके ऊपर से ही अटैक करेगा, जिसके चलते कुछ ही देर बाद वो कबूतर इसकी गिरफ्त में आ जाता है, जिसे लेकर ये अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। इससे पहले भी इसने एक शिकार यहाँ पर किया। दरअसल ये एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर अपने शिकार को ढूंढ रहा था कि अचानक उसकी नजर कबूतरों के झुंड पर जाती है और वो उन्हें अपना शिकार बनाने की इच्छा को लेकर उड़ान भर चलता है। यहाँ पर भी हम इसके खतरनाक हमले को देख पाएंगे, जो कि संभव हो पाया इसके शानदार पंखों की बनावट के कारण, जो कि किनारों पर मोटे ना होकर पतले होते हैं, जिसके चलते वो हवा को भी बड़े ही आसानी से काट पाते हैं। ये कबूतरों का झुंड अपने आप को बचाने के लिए शहर में मौजूद गलियों से होकर गुजरने लगता है, जिसको देखते ही ये फिर से अपनी उड़ान ऊपर की तरफ भरने लगता है। और कबूतर भी अपने आप को बचाने के लिए टेढ़े मेढ़े रस्तों का इस्तेमाल करते हैं, और उसने बिल्कुल उसी तरह इसे भी पकड़ने के लिए टेक्निक का यूज किया और इन्हीं कबूतरों में से एक को अपना टारगेट बनाकर उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें ये अपने पंखों को पीछे करता हुआ रफ्तार को और ज्यादा तेज कर लेता है। और जैसे ही वो शिकार के पास पहुँचता है उसे एक ही झटके में अपना लंच बना लेता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऑफबीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।